नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी की तरफ से तीन नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पहले दो नए नोटिफिकेशन की बात करते हैं, उसके बाद तीसरा जो मेन हमारा टॉपिक है इस वीडियो का उसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन तो है TRE3 के, जो 9 से 10 के लेवल की फाइनल आंसर की है वो आपकी जारी कर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है TRE 3.0 के सभी विषयों, नृत्य विषय को छोड़ करके बाकी सभी विषयों की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई समीक्षा के बाद, और अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 3/10/2024 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। और अगर आप जाएंगे वेबसाइट पर तो सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर सोशल साइंस की 9 से 10 की आंसर की दिखा भी देता हूँ। ये क्लास 9 से 10 की सोशल साइंस की फाइनल आंसर की, और जो भी बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर साइड में लिखे गए हैं। जैसे ये आपका सेट ई का आंसर की का ये बदलाव किया गया है, और किस कारण बदलाव किया गया है वो आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो है वो देख लीजिएगा। कोई प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी कई प्रश्नों में बदलाव है यहाँ पर, अलग अलग प्रश्नों के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन है बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए केवल एकीकृत यानी 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR में प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड का ही प्रयोग करें। जिन्होंने 69वीं और 70वीं जो 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन के क्रम में OTR नहीं किया है, वे ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से निबंधन कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में 69 और 70 जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा उसमें OTR के माध्यम से निबंधन कर लिया है एवं यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए, वे ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड लिंक के माध्यम से अपने रजिस्टर्ड नंबर, मोबाइल नंबर और यूजर नेम पासवर्ड को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा नोटिफिकेशन। अब है हमारा जो तीसरा मेन नोटिफिकेशन, जिसकी बात इस वीडियो में थंबनेल पर भी आपने देखा, 50% आरक्षण पर ही DV BPSC नोटिस। तो BPSC ने एक और नोटिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम और निर्देश, जिसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV कहते हैं, इसको लेकर के जारी किया। ये नोटिफिकेशन में पहली लाइन देखेंगे यहाँ पर तो गौरव कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य तथा संबद्ध सभी अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा दिनांक 20/6/2024 को आदेश पारित करते हुए नई आरक्षण नीति को रद्द जो है वो कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च जो न्यायालय है उनके द्वारा जो नई दिल्ली में दायर SLP थी उसकी संख्या भी दी गई, और अन्य सदरस वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर ही पूर्व प्रवत्त आरक्षण प्रावधान के अनुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर इस बात को क्लियर किया गया। ये एक्चुअल में जो दस्तावेज सत्यापन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक, इसको लेकर के जारी किया गया है। इन्होंने इसमें ये चीज क्लियर कर दी है BPSC ने, जो काम इनको बाकी में भी करना पड़ेगा कि आपका अभी हम जो रिजल्ट निकाल लें वो हम पुरानी वाली जो आरक्षण प्रणाली है उसी पर ही निकाल लें, परंतु अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई और आदेश निकल करके आता है तो उस आदेश के फलाफल से ये जो आपकी भर्ती है वो प्रभावित होगी। मान लीजिए कि आरक्षण को 65% वापस से कर दिया जाता है तो यहाँ पर फिर रिक्तियों की जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है, इसलिए ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दिया। आगे यहाँ पर भी देखेंगे तो चीज क्लियर की गई है कि तदालोक में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पूर्व प्रवत्त जो आरक्षण था, पहले से चला जो आरक्षण चला आ रहा था आरक्षण 50%, उसके अनुसार ही उपलब्ध कराई गई जो संशोधित रिक्ति थी उसके आलोक में ही आयोग द्वारा बिहार कृषि सेवा लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा जो है इसका अतिरिक्त परीक्षा फल दिनांक 27/9/2024 को प्रकाशित किया गया, और उक्त सभी सफल जो अभ्यर्थी उनका दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक 17/10 से 21/10 तक किया जाएगा। मतलब यहाँ पर रिवाइज्ड करके निकाला गया है, जिसमें कई और अभ्यर्थी इसमें पास हो गए हैं और यहाँ पर उनके रोल नंबर और उनकी शिफ्ट और सारी जानकारी जो है वो दी गई है अलग अलग तिथियों के अनुसार, जो कि आप अपना यहाँ पर स्वयं से देख लीजिएगा। मेरा ये जो मेन मोटिव था इसका वो था इस आरक्षण पद्धति को दिखाने को लेकर के, क्योंकि BPSC यही लगातार सोच रहा है कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक वो इंतजार करने के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा था, परंतु जिस प्रकार से ये यहाँ पर ऑर्डर या नोटिफिकेशन निकल करके आया है कि हम
50% आरक्षण पर ही रिजल्ट दे रहे हैं, बाकी अगर कोई चेंज होगा तो हम उसको बाद में चेंज कर लेंगे। तो इस चीज को फाइनली बीपीएससी ने स्वीकार किया है और एक यहाँ पर रिजल्ट निकाला है। तो संभवतः अगर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है वो और भी आगे तारीख चली जाती है तो बीपीएससी के पास ये एक ऑप्शन रहेगा कि वो इसी 50% आरक्षण पर ही रिजल्ट जो है वो अपना निकाले। तो देखना यही होगा कि TRE 3 को लेकर के बीपीएससी इसी प्रकार से कब निर्णय जो है वो लेती है। फाइनली एक कदम तो आगे बढ़ता हुआ देखने को मिला है, अब देखना है TRE 3 को लेकर के कितना समय लगता है। यही था हमारे सौरल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।